ये किसका हाउस है कुकू? ये किसका हाउस है? ये हमारी कुकू का घर है, छोटा सा घर जिसमें कुकू बहुत प्यार से रह रही है, मजे से रह रही है। कुकू को बहुत अच्छा लग रहा है ना कुकू? कुकू ओ कुकू 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 ना एंजॉय कर रही है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ पक्षी आए थे, तो फिर मैं इन पक्षियों की एक छोटी सी क्लिप ले रही थी। और ये पक्षी जो है ना हमारी कैट को बड़ा तंग कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे उसके पास जा जा के ना। करते हैं ये पक्षी जहाँ भी उनको ये कैट या डॉग वगैरह कुछ भी दिखे ना, तो उनके सामने जाके जोर जोर से बोलेंगे। तो और ये जो पेट्स होते हैं ना ये इरिटेट होते हैं फिर। ये देखिए दोस्तों, हमारी कैट घड़े के पास बैठी है इधर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है हमारी गाय। देखो इसको ना, यहाँ ये घास खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखो इसमें सारा का सारा सफाया कर दिया ये। और ये दो तीन बच्चे आगे भी चल रहे हैं। और मुझे ना आपको कुछ दिखाना था यहाँ पे। यहाँ पे ना मुझे एक पत्थर दिखा था। देखो ये पत्थर कैसा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शक्ल होगी। देखो एक मिनट, ये देखिए इस पत्थर में क्या है ये। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना पत्थर के बीच में यहाँ पे होल है, और ये होल जो है ना वो ऊपर तक है। देखो इधर भी है। और अभी जो है इवनिंग टाइम हो चुका है, मतलब शाम की 4:30 बज रहे हैं अभी। और ये देखो इधर इनका चला है द्वंद्व युद्ध। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है ये? चलिए दोस्तों, ये देखो चंदन का कितना कितना बड़ा पेड़ है। ये हमारा निशान साहिब। जो है ना इधर हमारे गुरुद्वारा साहिब है, आपको पता ही होगा। ये नीचे घर है और ये घर से ऊपर का व्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गाड़ी वगैरह आती है ना हमारी, वो यहीं पे आती है, यहाँ आके रुकती है वो। और यहाँ पे हो गया था घास, इसलिए गाय सारा का सारा घास चट रही है। आपको ना मैं कुछ दिखाती हूँ। देखो ये है चंदन का पेड़। ये जो चंदन का पेड़ है ना, ये वाला पेड़, ये पेड़ जो है मतलब जो पहले यहाँ पे पेड़ था ना वो कट गया था, और उसके बाद ना इसकी जो जड़ है ना, जड़ों से ही देखो इस पे कितनी सारी टहनियाँ ये दोबारा से नहीं आई है। और देखो कितना अच्छा बन गया है, यहाँ पे गुच्छा सा बन गया है ये सारा का सारा। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जब रोड बन रहा था ना, तो उस वजह से ये कट गया था। और एक ऐसा ही है तो यहाँ परे जैसा है, दिखाऊंगी मैं भी परे जाके। वो देखिए जैसे कि आप देख सकते हो, परे दिख रहा होगा आपको किनारे पे। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और साथ में दिखाती हूँ आपको, बैठो
इधर आओ, कौन आएगा मेरे पास? और देखो जहां भी हम जाते हैं ना ये हमारे साथ रहती है। इधर देखो, सामने देखो, मोटो मोटो, हाय, हेलो करो सबको, हेलो करो। नहीं जी खेलना है, खेलने की आई अभी। ओ बंदरी बंदरी, उतर 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 उतर, चलो। इसको ये हो रहा है कि मुझे बस खेलने दो अभी। अरे ये बिल्ली तो दिख भी नहीं गई घास। बेबी ओए होए, क्या हुआ? हमारे प्यारा बच्चा नहीं, आप प्यारे नहीं हो? ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, ये है चंदन का बीज। और अभी बीज जहां भी पड़ेगा वहां पे चंदन ही चंदन उग जाएगा। हमारे यहाँ पे ना बहुत चंदन है, बहुत बहुत, इतना चंदन है कि आधा हम घास में इन गाय को खिला देते हैं। दोस्तों 5 बज चुके हैं, अभी शाम का टाइम है। और ये देखो शाम के टाइम ना कुछ इस तरह का व्यू है जो कि बहुत ही प्यारा है। अब इस पहाड़ी में हमारे प्यारे से सूरज देवता छिप जाएंगे और फिर थोड़ी 5-10 मिनट बाद जो है अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। वैसे धूप लगी है इधर को, देख सकते हो आप। हमारे घर में ना सुबह धूप आ जाती है और शाम तक धूप रहती है। सुबह यहाँ से धूप आती है, यहाँ 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 करके और फिर यहाँ। ये ना बहुत चला के ये मुझे देख रही है कि कब जैसे मैं यहाँ से हटूँ और कब जैसे ये यहाँ से परे हो गए। देखो और पीछे इसकी सेना, ये बहुत चला के। ये बहुत शार्प है। व्यू जो है कुछ इस तरह का है जैसे कि आप देख सकते हो। ये यहाँ पे लगाया है नीचे दादाजी ने लहसुन, थोड़ा सा दिख रहा है आई थिंक, क्योंकि वहां से ना धूप पड़ रही है। और ये देखो सारे पंछी ना यहाँ पेड़ पे आ गए, क्योंकि ना यहाँ पे बिल्लियाँ पेड़ पे चढ़ गई है और ये सब इनको परेशान कर रहे हैं। अब आओ जल्दी। अच्छा ये ना इरिटेट हो जाते हैं पंछियों की आवाज़ सुन के, इनको अच्छा नहीं लगता है। और ये पक्षी देखो इरिटेट कर रहे हैं इनको पक्षी। पक्षी ना बहुत चलाक होते हैं, देखो कौवा। अच्छा मोटू, अच्छा आओ जल्दी, चलो 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 जल्दी आओ, चलो आओ जल्दी। ओ सारे कौवे आ गए यार, ये ना तंग कर रहे हैं इनको। क्या तंग कर दिया? तंग कर देते मेरे को। लो जी ये तो थक चुका है, अब ये अपना दोस्त थक चुका है अब। ये मेरा प्यारा सब, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जहां भी हम जाते हैं पीछे पीछे चले होते ही। अब कौवे इनको तंग कर रहे हैं यहाँ पे।
ये जो है ना, ये इसकी माँ है और ये इसकी बेटी है, ये इसकी मम्मा है